हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आज से मैं एक्सेल का रिकॉर्डिंग शुरू कर रहा हूँ, लेक्चर या कोर्स कह लीजिए। तो ये कोर्स आपका करीब 60 से 70 वीडियोस होंगे, अराउंड ऑल टुगेदर 60 से 70 आवर्स के होंगे क्लास। तो आज पहला क्लास है, हम आज क्या डिस्कस करेंगे? हमारा हर क्लास होगा एटलीस्ट 25 से 30 मिनट का एवरेज, ठीक है? इससे ज़्यादा का नहीं बनाऊंगा। और मेरे क्लास में क्या फोकस रहेगा? पहला, डेली हम लोग जब क्लास स्टार्ट होगी तो पहले के 5 मिनट से 7 मिनट हम शॉर्टकट पे बात करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 5 से 7 मिनट हम ऊपर के मेन्यू बार, जो फाइल, होम, इंसर्ट, पेज डाउन, इसके ऊपर बात करेंगे। उसके बाद जो बाकी टाइम होगा उसमें कैसे एक्सेल पे वर्क होता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो हम अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजें जिसके बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली हम इंटरफेस, जो एक्सेल का विंडो दिखता है, इसमें कौन सा चीज को क्या बोलते हैं, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं इसको, इसको हम कहते हैं नेम बॉक्स। आप ये C3 देख सकते हैं। इसका मतलब क्या है? ये कॉलम सी के रो 3 में हम खड़े हुए हैं। मतलब किसी भी आप सेल को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट सेल का नाम ये बताता है, इसको हम नेम बॉक्स बोलते हैं। मानिए आपको किसी सेल पे जाना है, तो आप यहाँ से, मानो हमें जाना है Q27 नंबर सेल पे, हम यहाँ पे Q27 कर इंटर करेंगे, तो हमें Q Q नंबर कॉलम के 27 नंबर रो में पहुंचा देगा, ठीक है? तो इसे कहते हैं नेम बॉक्स, ठीक है? ये हो गया पहला हमारा, ये हमने आज कर लिया। सेकेंड आता है हमारा फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार इसे कहते हैं, ये वाला बार यहाँ पे, हम कुछ भी चीज यहाँ लिखेंगे यहाँ पे दिख जाएगा, इसको फॉर्मूला बार कहते हैं। मानिए हम यहाँ पे लिखते हैं 2 प्लस 3 3 प्लस 4, आपको फॉर्मूला बार में दिख जाता है। अब मानो यहाँ पे गलती हो गई, हमें प्लस करना था, तो हर फॉर्मूला के आगे एग्जाम्पल देना होता है। तो हम यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे डबल क्लिक करके एडिट करके यहाँ पे जाके कर सकते हैं, या फिर हम इस सेल पहुंच गए, हम सीधे फॉर्मूला बार में जाएंगे, यहाँ क्लिक करके और यहाँ जाके स्टार्टिंग में प्लस से इज इक्वल टू डाल देंगे और हमें एडिट एडिट हो जाएगा। मतलब किसी भी चीज को एडिट करना है, लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे डबल क्लिक या फंक्शन की F2 करके आता है, सबसे ऊपर होगा आपके कंप्यूटर के, F2 से इसको एडिट कर सकते हैं, या फिर हम फॉर्मूला बार में चले जाएंगे। आप प्रैक्टिकली लोग क्या करते हैं ना, F2 बहुत लोग करते हैं, और बहुत लोग क्या करते हैं, सीधे चले जाते हैं फॉर्मूला बार में। कुछ भी चीज को एडिट करना है, यहाँ चले गए फॉर्मूला बार में चलेगी, फॉर्मूला बार का स्पेस बहुत बड़ा होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो फॉर्मूला बार में देखना आसान होता है, तो लोग फॉर्मूला बार में एडिट करते हैं। सेकेंड आता है स्टेटस बार। अब स्टेटस बार किसे कहते हैं? आपके एक्सेल के सबसे निचला लाइन, जहां पर लेफ्ट में रेडी लिखा हुआ, मैं कर्सर देख सकते हैं, इसको हम स्टेटस बार कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, सब ब्लैंक है, ब्लैंक है। बताता हूँ इस कहानी क्या है। मानिए यहाँ पे मैं लिख दिया, मैंने 2 3 4 5 6। अब हमें इसका सम करना है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ डाउन एरो से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जब सिलेक्ट करेंगे तो स्टेटस बार में यहाँ पे दिखाता है एवरेज, मतलब इन सब का एवरेज क्या होगा, 4। कितने हैं? 1 2 3 4 5, ये काउंट 5 दिखा देगा, साथ ही साथ इसके सम भी दिखा देगा 20। तो स्टेटस बार में कोई नंबरिंग है, आप वही वही आप टेक्स्ट पे जाओगे तो आपको टेक्स्ट के सिर्फ काउंट दिखाएगा। क्यों? टेस्ट का तो सम हो नहीं सकता, एवरेज नहीं कर सकता, लेकिन आप किसी नंबर पे हो तो उस नंबर का वो एवरेज भी दिखाएगा, उस कितने काउंट है, कितने सेल आपने सिलेक्ट किए वो दिखाएगा, साथ में उसका सम दिखाएगा। ये काउंट है सेल, कितना सेल है, हम लोग हर बॉक्स को यहाँ पर सेल कहते हैं, ये होता है। अब नेक्स्ट आते हैं पेज लेआउट। पेज लेआउट, पेज लेआउट क्या? आपके सामने शीट दिख रहा है एक्सेल का, इसको पेज है। अब ये कैसे दिख रहा है? तो हमारे नीचे स्टेटस बार के राइट साइड में 3 बॉक्स बने हुए हैं, एक है नॉर्मल, एक है पेज लेआउट, और तीसरा है प्रिंट पेज व्यू। तीनों पेज लेआउट के टाइप्स है। नॉर्मल भाई आपको सिंपल ये दिख रहा है बॉक्स, पूरा शीट दिख रहा है, आप इसमें कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है, काम सब में होता है।
अब सेकेंड आता है ये पेज लेआउट। पेज लेआउट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ये पेज वाइज दिखाता है आपको। मानो वो बुक प्रिंट करना है उस केस में ये काम आता है, लेकिन अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, समझाना दिक्कत भी है, ये वो फ्यूचर क्लास में इसको हम लेके आएंगे। लेकिन थर्ड थर्ड ये प्रिंट व्यू। अब ये प्रिंट व्यू में जाते हैं, प्रिंट व्यू में वो दिख रहा है, ये पूरा जितना भी हमने लिखा है वो सारे बॉक्स सिर्फ दिख रहे हैं, बाकी सब अपने आप ब्लैक हो गए हैं। अब मालूम यहाँ पे कुछ लिखते हैं तो ये लाइन और ऐड हो जाएगा। बेसिकली ये वो दिखाता है कितने लाइन पे लिखा हुआ है, उतना एरिया को हाईलाइट करेगा। हम यहाँ से इसको जूम कर लेते थोड़ा, बता दूं मैं क्या है ये। तो हम प्रिंट व्यू में है। अब यहाँ आप देख सकते हो कि जब मैंने प्रिंट व्यू में आया आपका लास्ट पेज ब्रेक प्रीव्यू कह लो या प्रिंट व्यू कह लो दोनों एक ही है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो जिस साइड नहीं लिखा ब्लैक हो गया और जितने एरिया में लिखा हुआ है वो व्हाइट रह गया। अब इस व्हाइट के बीच आपको दिख रहा है डॉट 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 लंबा ब्लू लाइन आ रहा है। ये क्या बताने चाह रहा है कि जब आप प्रिंट करोगे ना, ये डॉट 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 ब्लू लाइन से इधर है एक पेज में आएगा और डॉट 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 ब्लू लाइन के इधर जो है वो सेकेंड पेज में आएगा। आपको ये दिख भी रहा है पेज वन पेज टू। तो जब कोई क्लाइंट जो कोई बंदा काम करता है एक्सेल में, जो एक्सपर्ट होते हैं और उनको ऐसा बनाना है काम कि उनको ऐसा बनाना है काम कि वो अपना वर्क कर ले और बाद में उस पेज को प्रिंट करके दे दे, तो वो प्रिंट व्यू बनाते हैं ताकि जितने डेटा उनके है वो एक ही पेज में रहे या दो पेज में रहे। हम इसको इसको ऐसे इंक्रीज भी कर सकते, मानो कुछ कट रहा है हमें चाहिए यहाँ तक तो चाहिए हमें एक पेज में, तो हम इसको बढ़ा सकते हैं। उससे क्या होगा, फॉन्ट छोटा हो जाएगा, पेज का साइज छोटा हो जाएगा, मतलब पेज वही रहेगा, साइज सिकुड़ जाएगा चीजों का। ठीक है, हम अब तक हमने देख लिया नेम बॉक्स, हम रिवाइज कर लेते हैं। जिसे सेल बताता है हम यहाँ से उस सेल पे जा सकते हैं सेल को मेंशन करके। सेकंड हमने देखा फॉर्मूला बार, इसे कहते हैं जहाँ पे हम एडिट भी कर सकते हैं। थर्ड हमने देखा स्टेटस बार, यहाँ पे कोई भी नंबर हम सिलेक्ट करेंगे उसका एवरेज काउंट या सम दिखा देगा। फोर्थ हमने देखा पेज लेआउट। अब फिफ्थ आता है मेन्यू बार। मेन्यू बार क्या, ऊपर को दिख रहा है फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब मेन्यू है। ठीक है, ये सारे मेन्यू है। तो इन मेन्यू में बहुत सारे ऑप्शन है जो हम कर सकते हैं, जिसका हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। तो ये मेन्यू बार कहते हैं इसको। इसमें जानने का शॉर्टकट हम माउस से जा सकते हैं, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे ऑल्ट दाबेंगे तो एच एन पी एम करके आपका मेन्यू का शॉर्टकट दिखाता है। मान लो मुझे जाना है पेज फॉर्मूला में जाना है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं ऑल्ट दाबूंगा, फॉर्मूला बता रहा है, शॉर्टकट एम है, ऑल्ट के बाद एम दाबूंगा तो फॉर्मूला पहुंच जाऊंगा। ठीक है, और फॉर्मूला के अंदर ये सब मेन्यू आते हैं। अब इसमें हमें सब मेन्यू लिखा है, नेक्स्ट लिखा है मेन्यू सब बार। अब मेन्यू सब बार क्या है, जैसे कि मैंने होम में गया, होम में ये फ्रंट के रिगार्डिंग बॉक्स है पूरा। अब इसके अंदर बस इतना नहीं, इसके अंदर और भी है, और ज्यादा खुलना है तो आपको ये बार जाना पड़ेगा, तो ये आपको और डिटेल में खुल जाएगा। ये है मेन्यू सब बार। आपको अलाइनमेंट लगाना है, मतलब लेफ्ट साइड में लिखना है, राइट साइड में लिखना है, हम उसे डिस्कस करेंगे। तो ये मेन्यू सब बार होता है और डिटेल में जाने के लिए। इसके बाद शीट। अब हम क्या करते हैं, कॉपी में पेज होता है, हम एक पन्ना लिखे चेंज किए, दूसरा पन्ना लिखे चेंज किए, लेकिन एक्सेल में इसको पेज नहीं शीट कहते हैं। आखिर में पेज को इंग्लिश में शीट ही कहते हैं, लेकिन यहाँ पे शीट कहते हैं। एमएस वर्ड में पेज कहते हैं, ठीक है, एक्सेल में शीट कहते हैं। अब शीट है तो नीचे क्लास वन में लिखा शीट, उससे पहले शॉर्टकट शीट में बना रखा है। आज हम क्लास वन कर रहे हैं, मानो मुझे एक और शीट ऐड करना है, प्लस का बटन दबाऊंगा तो न्यू शीट पे चले जाएंगे। अब शीट में चेंज करने के लिए हम माउस से जा सकते हैं, या फिर हम कंट्रोल के साथ पेज अप पेज डाउन भी कर सकते हैं। ये है शीट का शॉर्टकट। साथ में रो मैंने बता ही चुका, ये वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये सब रो होता है, ठीक है। और लास्ट में कॉलम, ये ऊपर जो लिखा है ए बी सी, इसको कॉलम कहते हैं। ये हमारा बेसिक था कि एक्सेल में जो सामने दिखता है उसको क्या कहते हैं। तो अब तक हमने देखा कि जो हम एक्सेल खुलता है तो उसमें किसको क्या कहते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं शॉर्टकट पे। देखो एक्सेल और सिस्टम, अगर आप एक्सेल में तब तक महत्व नहीं पा सकते जब तक आपको शॉर्टकट याद नहीं हो, ठीक है।
अगर आपको एक्सेल नहीं आता, एक्सेल आता है लेकिन शॉर्टकट नहीं आता, तो कहेगा आपको एक्सेल नहीं आता। तो शॉर्टकट याद रखना बहुत जरूरी है। तो अब हमारा पहला 10 मिनट बेसिक में चला गया, हम 10 मिनट लेंगे शॉर्टकट में। हम मैं शॉर्टकट का रिवीजन हर वीडियो में डेली करवाऊंगा और इसमें शॉर्टकट ऐड करते रहूंगा, ठीक है। पहला शॉर्टकट हम देखते हैं, शॉर्टकट हम खोलते हैं। पहला मानो आप सिस्टम खोल रहे हो, बिल्कुल डेस्कटॉप पे हो और आपको जाना है क्या बोलते हैं एक्सेल खोलना है, तो आप पहले अपना कीबोर्ड प्रेस करोगे विंडो की और उसके साथ में आर, विंडो की आपके कंट्रोल के बाद ऑल्ट के पहले होता है, ठीक है। तो विंडो आर करोगे तो आपका रन बार खुल जाएगा। यहाँ पर टाइप करना है एक्सेल, ई एक्स सी ई एल। जैसे आप एक्सेल टाइप करोगे और इंटर करोगे, आपका एक एक्सेल शीट खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड बुक सिलेक्ट करना है और आपका एक्सेल खुल गया, ठीक है। ऑलरेडी मेरा एक्सेल खुला हुआ है तो मैं दिखा रहा हूं आपको। ओके, और ये मैं अपना पुराना एक्सेल खोल लू, ठीक है। तो विंडो आर करके आप एक्सेल टाइप करो, एक्सेल खुल जाएगा। अब आते हैं फंक्शन की। अब कीबोर्ड सबसे ऊपर फंक्शन की होते हैं F1, F2, F3, F4, F5 से F12 तक होता है। हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट की है, इसमें हम आज सिर्फ 7 की देखेंगे जो इंपॉर्टेंट है। पहला की है F1, और F1 आप प्रेस करोगे तो हमें स्क्रीन में देख सकते हो, मैंने F1 प्रेस किया अभी, आपको यहाँ पे हेल्प खुल जाता है, ठीक है। अब हेल्प क्या है, अगर आपका सिस्टम ऑनलाइन हुआ, वैसे तो आप ऑफलाइन में भी आना चाहिए लेकिन नहीं आ रहा, कोई दिक्कत नहीं। F1 खोलते ही ये कोई फॉर्मूला रिगार्डिंग किसी रिगार्डिंग को प्रॉब्लम हो रही है तो ये आपका हेल्प बॉक्स है, आप टाइप कर सकते हो। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा, अभी नहीं, काम नहीं कर रहा। सेकेंड है F2, आपको मैंने पहले ही बताया था कि ये फॉर्मूला बार होता है, हमें कुछ भी चीज एडिट करना है दो तरीके, एक होता है डबल क्लिक करके हमें एडिट करके लिख लें। अगर हम डबल क्लिक करके एडिट नहीं करते, नॉर्मली लिखना शुरू करते, पुराना पुराना लिखा हुआ हट जाएगा, तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, सॉरी सेल पे डबल क्लिक करेंगे, इसको सेल कहते, बताया आपको मैंने, यहाँ लिखेंगे, या फिर हम इसको सेल को सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मूला बार में जाएंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे तो यहाँ पे एडिशन हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और फंक्शन है, होता है ई F2। जब आप F2 दबाओगे तो ये एडिट हो जाएगा। अब इसमें आप एडिशन कर सकते हो, मतलब कुछ और ऐड कर सकते हो, और आप इसके दबाओ बंद हो जाएगा, हट जाएगा, लिखा लास्ट लिखा हट जाएगा। तो F2 होता है एडिट के लिए। नेक्स्ट आता है F2 F4 की। F4 की होता है रीडू फंक्शन, मतलब आपने एक्सेल में कोई भी लास्ट फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मेटिंग जो किया, बेसिकली एक्सेल शॉर्टकट के लिए मशहूर है, तो आप जो भी लास्ट इसमें चेंजेस करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे मान लो ये लिखा 2 3 4 5 6 7 लिखा, ठीक है। अब मैं इसको बोल्ड कर दूं, F4 मैंने बोल्ड किया, भूल जाओ मैंने क्या शॉर्टकट इस्तेमाल किया, साथ में इसको मैं इटैलिक कर दूं, ठीक है। अब ये मैंने अभी 2 फंक्शन लगाया, अब ये फंक्शन को मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ इन सब पे, तो मैं यहाँ पे F4 करूंगा। F4 मैंने लास्ट क्या किया था, मैंने लास्ट यहाँ पे इटैलिक किया था, ये सब देखो इटैलिक हो गया नेम बॉक्स, मतलब F4 का मतलब है कि आपने लास्ट जो भी कमांड आपने लगाया वही कमांड कॉपी हो जाएगा। तो F4 कहते हैं रीडू। F5 होता है गो टू, जैसे हमको कुछ सर्च करना है, किसी सेल पे जाना। अब यहाँ पे मैं F5 होता है गो टू, मतलब हमें किसी चीज पे जाना है, जैसे मानो मुझे नेम बॉक्स जाना, मुझे मानो मैं कहीं अटका फंसा हो गई, मुझे जाना है कि मैं नेम बॉक्स कहाँ लिखा था, मुझे याद नहीं, मुझे वहां जाना है, तो मैं F5 प्रेस करूंगा की में, ठीक है, ये गो टू खुल जाएगा। एंड यहाँ पे नेम, एक्चुअली ये सेल पे जाने के लिए होता है, किस सेल पे जाना है मुझे, तो मैं मुझे A1 सेल पे जाना है, यहाँ पे गो टू लिखा है तो A1 सेल पे पहुंच गए। तो F5 है गो टू शॉर्टकट, ये सेल पे जाने के लिए होता है, ठीक है। अभी F10, आपको मैंने बताया था जैसे ये ऊपर मेन्यू बार है, मेन्यू बार है, इसको अब रिबन कहते हैं, नाम चेंज हो गया, बात हुई, मेन्यू बार कह लो रिबन कह लो, हम इस पे जानने के लिए, बताया था फॉर्मूला पे जानने के लिए हम शॉर्टकट का इस्तेमाल करेंगे, पहले हम ऑल्ट प्रेस करेंगे जिससे क्या होगा कि मेन्यू बार का शॉर्टकट खुल जाएगा, ठीक है। फिर हम M करेंगे फॉर्मूला पहुंच जाएंगे, उस पर जो निशान है उस पर जा सकते हैं। वैसे ही हम अगर आपको ऑल्ट की जगह हम इसको F10 भी कह सकते हैं, तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट चेंज और बता दूं,
या तो आप F10 कर लो, ठीक है, या इसके लिए आप Alt भी प्रेस कर सकते हो। हमारा नेक्स्ट की जो है, जो शॉर्टकट है F12। देखिए हम कोई भी सीट पे काम कर रहे हैं, जो हम सेव करते हैं तो कंट्रोल एस होता है सेव करने के लिए, ठीक है। तो मैंने ये एक्सेल क्लास नाम से एक फाइल को सेव कर रखा है, आप ऊपर हेडिंग में देख सकते हो, मतलब कर्सर है इस फाइल का नाम एक्सेल क्लास। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इसका कॉपी सेव करूं, मतलब ये डेटा है इसका मैं एक और कॉपी बनाऊं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे F12 कर दूंगा। अब तो ये क्या करेगा, जहां पे मेरा सेव है वहां पे एक्सेल क्लास दिख रहा है। अब इसको मैं एक्सेल क्लास अंडर डैश वन कर दूंगा, तो मैं अब दो बन गया। एक्सेल क्लास दिख रहा है आपको, पुराना वाला बंद हो गया, पुराना वाला बंद हो गया है, और अभी एक्सेल क्लास वन दिख रहा है। तो एक्सेल क्लास वन दिख रहा है। अब मैं जाकर देखूंगा मेरा जो जहां पे मैंने सेव किया था, दिखा देता हूँ आपको। अब यहाँ दो फाइल बन गए, एक पुराना एक्सेल क्लास नाम से फाइल था, अब एक्सेल क्लास वन नाम से फाइल बन गया है। अब मुझे वापस अब आते हैं एक्सेल पे। तो ये था फंक्शन की का F1, कोई भी चीज का वो सर्च करना है, हेल्प चाहिए, फॉर्मूला नहीं मिल रहा है, F1 प्रेस करो एक विंडो खुल जाएगा, वो सब सर्च करो वो मिल जाएगा। F2 एडिट के लिए, F2 एडिट के लिए होता है, इसका शॉर्टकट मैंने बताया था, डबल क्लिक भी कर सकते हैं। F4 होता है रीडू, मतलब जो लास्ट आपने कमांड किसी चीज पर लगाया होगा वही कमांड को डिटो कॉपी करना है विदाउट वो सब किए हुए, शॉर्टकट किए हुए सब F4 कर सकते हो शॉर्टकट ले। F5 होता है किसी सेल पे जाना होगा तो F5 से जा सकते हो, जैसे मैं बताया था ये नेम बार, हम नेम बॉक्स से जाके हम सेल पे जा सकते हैं, या फिर आप F5 प्रेस करके भी किसी सेल पे जा सकते हैं। F10 होता है आपका ये रिबन या मेन्यू बार को पे डालने के लिए, जिसके लिए आप दूसरा शॉर्टकट ऑल्ट भी इस्तेमाल करते हैं। लास्ट में आता है F12। F12 क्या होता है, सेव एस के लिए, जिससे मैं एक और को भी बना सकूं और नया शीट पे काम करूं, पुराना शीट को बंद कर दूं और नया शीट पे काम करूं, जो पुराना शीट में चेंजेस है वो वैसे ही रह जाए और जो भी चेंजेस करूं नया शीट में हो, इसे F12 आता है। हमने अब तक फंक्शन की का शॉर्टकट देखा है, हम तो कीबोर्ड के शॉर्टकट पे आते हैं जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, फंक्शन की बहुत कम इस्तेमाल होता है। अब पहला शॉर्टकट है कंट्रोल ए। अगर आप कंट्रोल ए करोगे तो जितने डेटा है, मतलब विदाउट स्पेस, F12 और कंट्रोल की के बीच में की स्पेस है, ठीक है, कंट्रोल की से पहले की स्पेस है, इस सारी स्पेस है और नीचे भी स्पेस है, तो विदाउट स्पेस जितना भी एरिया है वो सारा सिलेक्ट हो जाता है। तो कंट्रोल ए सिलेक्शन के लिए मैं कंट्रोल ए करूंगा, तो जितने भी कंटिन्यूअस डेटा है विदाउट किसी गैप के वो पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, और मैं दोबारा कंट्रोल ए करूंगा तो पूरा सीट सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये सिलेक्शन के लिए होता है, जब आप कुछ सिलेक्ट कर लिए, चाहे आपने ये सिलेक्टेड डेटा को सिलेक्ट कर लिया कंट्रोल ए, तब से दो चीज कर सकते हो, कॉपी, सेकेंड कमांड है अपना कॉपी, तो हम कंट्रोल सी करेंगे कॉपी, तो आपको ये दिख रहा है, ये डॉटेड एरिया दिख रहा है पूरा, ये डॉटेड एरिया पूरा कॉपी हो गया। अब मैं इसको यहाँ पेस्ट करूंगा, नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल वी, आप देख सकते हो कंट्रोल सी बाद कंट्रोल एक्स पे कंट्रोल वी, नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल वी करते ये पेस्ट हो जाता है, ठीक है। मैंने भी कुछ और शॉर्टकट लगाया ये कि बाद बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको नॉर्मल बता, जब ये पेस्ट हो गया आपको ऊपर बी दिख रहा है सी दिख रहा है, बी और सी के बीच में एक लाइन दिख रहा है, इस लाइन पे जब जाओगे ना तो कर्सर देखो माउस का ये चेंज हो गया, अब इस पर डबल क्लिक कर दो एडजस्ट हो जाएगा, मतलब ये कि जो कट रहा था पूरा एक बॉक्स में आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन है अब वो दिख रहा है दूसरे बॉक्स में जा रहा है। अब सी और डी के बीच देख लो लाइन, यहाँ पे अगर डबल क्लिक करोगे तो क्या हुआ, ये पूरा बॉक्स फैल गया और सारा सारा जो लिखा हुआ है सारा डेटा है वो बॉक्स में आ गया। तो हमने देखा कंट्रोल सी कमांड, ठीक है। अब नेक्स्ट है कंट्रोल एक्स, अब यही डेटा है इसको मैं यहां से कंट्रोल एक्स करूंगा तो ये कट करता है। अब मैं इसको लाके यहाँ पे लाके फिर नेक्स्ट कमांड है कंट्रोल वी फिर पेस्ट का है, कंट्रोल वी करूंगा तो क्या वो यहां से हट गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। मैं फिर दिखाता हूँ कंट्रोल, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने इसको सिलेक्ट किया कंट्रोल सी करके मैं यहाँ पे कंट्रोल वी करूंगा तो डेटा यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, कॉपी हो गया, ठीक है। और मैं इसको क्या करूंगा कंट्रोल ए, तो देखो जो एरिया विदाउट स्पेस का है ऊपर सिलेक्ट हो गया, मैं ई के और एफ से डबल क्लिक करूंगा, एफ और जी के बीच में ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो क्या ये पूरा बॉक्स अपने में खुद को पूरा सारे
सार को अपने बॉक्स में ले लिया इसने, और वही मैं इसको कंट्रोल एक्स करूं, यहां से सिलेक्ट है ही, और मैं इसको यहां कंट्रोल वी करूं, क्या हुआ यहां से हटके यहां आ गया। कंट्रोल एक्स मतलब कट करने के लिए होता है। तो हमने देख लिया कंट्रोल ए, देख लिया सिलेक्ट के लिए, कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल एक्स कट के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए। अब हम आते हैं बोल्ड करने के लिए। मानो हम कुछ लिखे हैं, हम इसको किसी चीज को हाईलाइट करना, मानो ये हेडिंग है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ठीक है, लेकिन मुझे इसको ज्यादा फोकस करना है, तो मैं बोल्ड करूंगा, तो कंट्रोल वी करूंगा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। इसको फिर कंट्रोल आई करूंगा, ये इटैलिक हो जाएगा, थोड़ा तिरछा हो जाएगा, ठीक है, देखने में अच्छा लगता है। इसको और हाईलाइट करना है तो कंट्रोल यू, ये अंडरलाइन हो जाएगा। तो अभी हमने देखा कंट्रोल बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल आई इटैलिक के लिए, कंट्रोल यू अंडरलाइन के लिए, ठीक है। अब मानो मैंने ये कर दिया, लेकिन मुझे करना नहीं था, तो मैं क्या कर सकता हूं, बहुत कुछ मैंने किया होगा, ठीक है। अब इसको हटाने के लिए वापस मैं इसको कंट्रोल यू करूंगा तो अंडरलाइन हट जाएगा, कंट्रोल आई करूंगा तो आपका ये इटैलिक हट गया, तिरछापन सीधापन में आ गया, अब कंट्रोल बी करूंगा तो नॉर्मल व्यू में आ गया। तो वापस कंट्रोल बी करूंगा बोल्ड, कंट्रोल आई इटैलिक, कंट्रोल यू अंडरलाइन, ठीक है। तो ये की फंक्शन है करने के लिए, लेकिन मानो मैंने बहुत, ये तो सिंपल था करना और ठीक करना बिगाड़ना, मतलब कंट्रोल भी किया एक बार बोल्ड हो गया, कंट्रोल भी दोबारा किया तो अनबोल्ड हो गया, ठीक है ना, ये नॉर्मल था। मानो आप किसी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला में हो, ठीक है, एक्सेल फॉर्मूला भी फेमस है, और आपने ऐसा फॉर्मूला टाइप कर दिया, ऐसी चीज चेंज कर दिया पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ पे बीच में कुछ डेटा मैं डिलीट हो गया, आपको ध्यान नहीं है क्या चीज डिलीट हुआ है, मुझे भी याद नहीं है, अब मैं डिलीट कर आगे बढ़ गया, अब क्या ठीक कैसे करें। तो यही कमांड नेक्स्ट जो शॉर्टकट है कंट्रोल वाई, मतलब जो लास्ट चीजें मैंने चेंज की उसको वापस वापस पहले जैसे करने के लिए कंट्रोल वाई, ठीक है। अब मानो जो हमने लास्ट चीज को चेंज करने बाद वापस कर दिया, लेकिन वो चेंज बड़ा ही सही था, तो वापस चेंज करने लिए कंट्रोल जे। तो जैसे मैंने इसको डिलीट किया, मेरे को याद नहीं कौन सा लाइन डिलीट था, तो मैं कंट्रोल वाई करूंगा, कंट्रोल मैंने कुछ डिलीट किया था, अब उसको वापस ठीक करने के जो पहले था, तो कंट्रोल जेड करूंगा, मतलब इससे पहले क्या था ये वो देखने के लिए, फिर कंट्रोल जेड करूंगा, फिर कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, जितने चेंज मैंने किए होंगे पीछे वो उल्टा चलते जाएगा, ठीक है। ये देखो ये, अब मानो मैंने बहुत बड़ा कंट्रोल जेड कर दिया, लेकिन यार नीचे वाला सही था, मैंने बहुत ज्यादा कर दिया, अब वापस करना है, मैं तो क्या वापस तो वहां से कॉट करके पेस्ट करूंगा, फिर सब कुछ दोबारा करूंगा, नहीं, यहाँ पे कंट्रोल वाई, मतलब कंट्रोल वाई होता है आगे बढ़ने के लिए, मतलब जो भी चेंजेस करके आगे बढ़ चुके हो, लेकिन अब मैं फिर बताता हूँ, आपने कुछ चेंजेस किया तो आप आगे बढ़ गए, लेकिन आप कुछ ज्यादा ही चेंजेस कर दिए और आपको लगता है नहीं मुझे पीछे रुक जाना चाहिए था, मैंने दो तीन स्टेप उलट कर दिया, अब वो दो तीन स्टेप को वापस अंडू करने के लिए हम कंट्रोल जेड करेंगे, इसी अंडू। लेकिन मानो आपने कुछ ज्यादा अंडू कर दिया और आप बोले नहीं यार मैंने कुछ ज्यादा अनुभव कर दिया, मैं जो पहले किया था वो सही था, और वापस उस आगे स्टेप पे जाना है तो कंट्रोल वाई करेंगे आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ये है हमारा की। अब लास्ट दो आता है कंट्रोल सेम, अब ये कंट्रोल दो डॉट कंट्रोल, मैं इस सीट को थोड़ा जूम कर रहा हूँ, आप स्टेटस बार में सबसे लास्ट में जूम का ऑप्शन आता है, अब मैं माउस देख सकते हैं, मैं ऐसे जूम कर रहा हूँ कि आप ठीक से देख लो। अब ये क्या है, ये कॉलन है और ये सेमी कॉलन, इन दोनों शॉर्टकट का मतलब क्या है, अगर आप कंट्रोल के साथ कॉलन डाबोगे, ठीक है, तो आपको आज का डेट जो सिस्टम में डेट है वो डेट ले लेगा, अगर मान लो करेंट टाइम डालना है, एग्जैक्ट अभी क्या टाइम हो रहा है, कितना मिनट कितना सेकंड, तो आप कंट्रोल के साथ सेमी कॉलन है, कंट्रोल शिफ्ट और कॉलन वाला बटन भी होता है, आप सेमी कॉलन क्लिक करोगे तो आपका टाइम आ जाएगा, अभी 23:23 हो रहा है, हम इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, हम बाद में बताऊंगा मैं। तो हमारा ये है, तो हमारा शॉर्टकट खत्म हो गया, हम फिर बता दूं, कंट्रोल ए कॉपी के लिए, कंट्रोल सी कंट्रोल ए सिलेक्ट के लिए,
कंट्रोल सी कॉपी के लिए, कंट्रोल एक्स कट के लिए, कंट्रोल वी पेस्ट के लिए, कंट्रोल वी बोल्ड, कंट्रोल आई इटैलिक तिरछा करने के लिए, कंट्रोल यू अंडरलाइन करने के लिए, कंट्रोल यू, कंट्रोल आई, कंट्रोल बी, ठीक है, साथ में कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड पे जाते हैं, कंट्रोल जेड, मानो आपने कुछ आगे बढ़ गया, लेकिन आपने कुछ ज्यादा गलत कर दिया, आपको वापस करना है जो पहले का था, तो कंट्रोल जेड, मानो आपको ज्यादा पीछे आ गया, आगे वाला ही सही था, आपको और आगे जाना है तो कंट्रोल वाई, ठीक है, कंट्रोल कॉलन करेंट सिस्टम डेट के लिए, ठीक है, और कंट्रोल सेमी कॉलन कंट्रोल करेंट सिस्टम टाइम के लिए, आपको सिस्टम में क्या टाइम हो रहा है, ठीक है, वो एग्जेक्ट यहाँ ले लेगा। हम आगे बढ़ते हैं, हमारा 25 मिनट हो गया है और मैंने कहा था कि हर वीडियो 30 मिनट का होगा, तो मुझे लगता नहीं मैं आगे बता पाऊंगा आज का वीडियो में, तो हम अब शॉर्टकट पे ही कंप्लीट करते हैं, और वैसे पहला वीडियो है, तो अब तक हमने सारे शॉर्टकट देख चुका, रिवाइंड करके दोबारा देख सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अब आता है दो शॉर्टकट, कंट्रोल डी कंट्रोल आर, इसको मैं कॉपी किया कंट्रोल सी से और यहाँ पे कंट्रोल भी पेस्ट कर दिया, मैं इसको इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब कंट्रोल डी क्या करता है, इसको फिट करने के लिए ऊपर एफ और जी के बीच में डबल क्लिक कर रहा हूँ, अभी मैं शॉर्टकट आपको बताते चलूंगा धीरे कर से। कंट्रोल डी क्या करता है, कंट्रोल डी ये करता है जो ऊपर कॉलम है इसको नीचे आपको लेके आना है, सेम चीज, तो अब क्या करोगे, ऊपर जाओगे कंट्रोल सी करो कॉपी, नीचे आओगे कंट्रोल वी करोगे, तो सेम चीज नीचे लाने का हमने क्या किया, पहले कॉपी किया कंट्रोल सी से, फिर नीचे आए कंट्रोल वी पेस्ट किया, लेकिन इसका शॉर्टकट है कंट्रोल डी, मानो आप ऊपर में जो लिखा है वही चीज नीचे लेके आना है, तब सीधे कंट्रोल डी करोगे ऊपर लिखा हुआ चीज नीचे आ जाएगा। वैसे ही कंट्रोल आर, कंट्रोल आई आर क्या है, मानो आपको राइट साइड जो लेफ्ट साइड लिखा हुआ है आपको वही चीज कॉपी करना है राइट साइड में, तो कंट्रोल आर करोगे लेफ्ट का लिखा हुआ चीज राइट आ जाएगा, और वही जी इसको वापस बॉक्स में फिट करने के लिए मैं जी आर और एच के बीच ऊपर डबल क्लिक करूंगा, बॉक्स में फिट हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा कंट्रोल डी हो गया, कंट्रोल आर हो गया। अब कंट्रोल एफ है फाइंड का, मानो मुझे कुछ सर्च करना है, मानो मुझे सर्च करना है, क्या सर्च करना है, मैंने एक्सेल में ऊपर बहुत कुछ लिखा है मुझे कोई चीज याद नहीं आ रहा है, जैसे मेरा पहला सेल था नेम बॉक्स, मुझे ढूंढना है नेम इस पूरे एक्सेल पे कहाँ कहाँ लिखा हुआ, एन ए एम ई, मैंने कंट्रोल एफ किया फाइंड बॉक्स खुल गया, नेम पे क्लिक किया फाइंड नेक्स्ट, नेम बॉक्स यहाँ पे आ गया, फिर फाइंड नेक्स्ट किया तो दूसरा फाइंड नेम है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है, पूरे सीट पे एक ही नेम है, लेकिन मुझे देखना है कि किसी और सीट में तो नहीं है, अभी क्या कर रहा है ये, एक ही सीट जैसे क्लास वन सीट इसमें सर्च कर रहा है, मुझे देखना है शॉर्टकट वाले में क्लास वन सीट थ्री किसी और में भी नेम लिखा हुआ है, यहाँ पे आऊंगा मैं इस ऑप्शन को पे क्लिक करूंगा, फर्दर खुल जाएगा, यहाँ पे सीट की जगह वर्कबुक करूंगा, अब होता क्या है जो नीचे क्लास वन है ये सब सीट है, लेकिन ये पूरा नीचे शॉर्टकट क्लास वन ये सबको मिलाकर बोलेंगे वर्कबुक, जब मैंने वर्कबुक सिलेक्ट कर लिया और फाइंड ऑल कर रहा हूँ तो देखो क्या दिखा रहा है, पहला सीट शॉर्टकट, मैं शॉर्टकट सीट में भी नेम करके एक है, दूसरा मैं क्लास वन सीट में भी एक्सेल क्लास करके है, अब मैं यहाँ पे जाऊँ क्लिक करूंगा यहाँ पहुंच गया, इस पे क्लिक करूंगा तो शॉर्टकट पे आ जाऊंगा, तो ये है सर्च करने के लिए वर्कबुक के लिए, लेकिन वर्कबुक से ऐसा लोग सीट पे सर्च करते हैं जिस सीट पे लोग काम कर रहे हैं, आप वर्कबुक में सर्च करना वर्कबुक में जा सकते हो, ठीक है, अब इसको क्लोज कर दूंगा। तो हम कहा थे, अभी नीचे थे हम थे कंट्रोल एफ फाइंड एंड रिप्लेस, अब देखो कंट्रोल एफ और कंट्रोल जी दोनों में सेम लिखा है फाइंड एंड रिप्लेस, एक्चुअली ये बॉक्स है, जब मैं कंट्रोल एफ करूं या कंट्रोल एच करूं ये बॉक्स खुलता है, इसको हम कहते हैं फाइंड एंड रिप्लेस, कंट्रोल एफ जब करते ये वाला पेज खुलता है कि वो फाइंड करेगा नेम, और जब रिप्लेस पे जाओगे तो आपको रिप्लेस पूछेगा आपको क्या फाइंड करना है, जब क्या डालना है, फॉर एग्जाम्पल इस सीट में मैं पहले पहले फाइंड करूंगा, फाइंड किया फाइंड नेक्स्ट नेम, तो पहला बॉक्स में आ गया नेम बॉक्स, अब इसको रिप्लेस करना है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा राम, रेम, नेम की जगह रेम, ठीक है, और मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा रिप्लेस, तो क्या हो गया नेम की जगह रेम हो गया, रेम बॉक्स, ठीक है। अब मानो होता क्या है कि जब तो हम डेटा पे काम करते हैं, ठीक है, तो होता ये है कि भैया एक एक्सेल शीट बन जाता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे डेटा होते हैं 500 600 लाइन बला बला बहुत होते हैं, तो होता क्या है कि हम एक एक, अब मानो एक ही शब्द, जैसे कि आपने मार्च का डेटा बनाया,
अब मानो मार्च का डेटा है, उस सीट में 25 जगह मार्च 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 लिखा है। अब हर जगह ढूंढने जाओगे कहाँ कहाँ मैंने मार्च लिखा हुआ है, और जब नेक्स्ट मंथ अप्रैल का बनाओगे तो हर जगह मैन्युअली ढूंढोगे मार्च कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे आप चेंज करते हैं अप्रैल, फिर नेक्स्ट मार्च कहाँ लिखा हुआ है। उससे अच्छा होता है कि फाइंड एंड रिप्लेस किया, या हम सीधे हम सर्च करेंगे मार्च जिस मंथ का आपको चेंज करना है, आप इसमें नेम चेंज करना है, ठीक है। अब फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे आपका, क्या कर देंगे जो ठीक करना है। जैसे मैंने गलत लिखा है मानो रेम, आर ए एम ई, यहाँ पे रेम गलत है, ठीक है। और फिर मेरे ठीक करना नेम। अब मानो आपको पता है कि पूरा सीट में मार्च की जगह अप्रैल करना मुझे श्योरिटी है, आप चीजें रिप्लेस ऑल कर दोगे, ठीक है। अगर आपको तो रिप्लेस ऑल कर दो अपने आप पूरे बॉक्स, जैसे आप लिख रहे वी हैव मेड वन रिप्लेस, मतलब पूरा सीट में सिर्फ एक ही रेम नाम सिर्फ सेल था उसको नेम कर दे, मानो 25 होते और आपको श्योर तो पूरा 25 चेंज कर लेता, लेकिन आपको श्योरिटी नहीं है कि भैया सारे पे चेंज करना है नहीं करना है। तो आप पहले नेम लिखोगे, अब मानो यहाँ पे हम लिख देते डी 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 डी, हमें चेंज करना, हमें थोड़ा नेम दो तीन जगह लिख दो, एन आई मीन नेम और एंड एन आई मीन नेम, ठीक है। अब मानो मुझे जान, अब मैं रिप्लेस ऑल करूंगा, ठीक है, इसको कॉपी कर, डी 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 को मैं कॉपी कर लेता हूँ, रिप्लेस ऑल करूंगा, क्या बता रहा है यू हैव मेड रिप्लेसमेंट। अब पूरे सीट में तीन जगह नेम था, अब हम ढूंढे कैसे पता है नहीं, 50 जगह भी हो सकते थे। मैं जरा इसको वो कर दूं, मतलब समझाने के लिए, अब मानो डी 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 लिखा है लेकिन डी डी गलत है, पता है वहां पे नेम होना चाहिए, ठीक है। तो हम चाहे पूरा एक साथ कर सकते हैं, सिंगल सिंगल कर सकते हैं, सिंगल कैसे, पहले हम करेंगे फाइंड नेक्स्ट, तो यहाँ लिखा है डी डी डी, यहाँ पे नेम होना चाहिए था, मुझे लगता हाँ बिल्कुल होना चाहिए था, तो मैं सिंगल रिप्लेस करूंगा। फिर यहाँ है डी डी डी, क्या यहाँ पे नेम होना चाहिए था, मैं सोच ना यार यहाँ पे नेम नहीं, डी 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 ठीक है, तो इसको छोड़ दूंगा मैं, फिर फाइंड नेक्स्ट करूंगा। फिर लास्ट यहाँ पे नेम होना चाहिए था, तो हाँ फिर यहाँ पे सिंगल रिप्लेस करूंगा। मतलब आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप सिंगली रिप्लेस कर सकते हो इसे इग्नोर करके, या फिर पूरा एक साथ ही रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो हम इसको डिलीट कर दूं, जो नेम मैं कंट्रोल एफ किया फाइंड का नेम, और ये प्लग सीट में कोई काम करे, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो हमने बेसिक देख लिया, जो नेम बॉक्स का इंटरफेस देख लिया, शॉर्टकट देख लिया, गो टू हो गया। अब गो टू क्या है, बिल्कुल वही चीज है जो F10 था, F10 और कंट्रोल जी आपको बताता है किस सेल पे जाना है। हमने ऊपर F10 का कमांड देखा था, जो F10 प्रेस करते हैं, तो सॉरी F10 बोल रहा हूँ F5 है, F5 जो प्रेस करते हैं गो टू पूछता है, ये पूछता है वो किस सेल पे जाना है। तो इसका दूसरा शॉर्टकट है, इसको डिलीट कर दूं, इसको मैंने जो वर्किंग किया था, ठीक है डिलीट कर देता हूं एक बार, ठीक है। तो मैं शॉर्टकट जो है कंट्रोल जी गो टू डायलॉग बॉक्स, इसका एक और शॉर्टकट है F10, मैं आप F10 लिख देता हूँ, F5 में, बार बार F10 बोल रहा हूँ, F5 शॉर्टकट है, ठीक है। तो ये किस सेल पे जाना पूछता है। अब कंट्रोल के हाइपर लिंक, अब हाइपर लिंक क्या होता है, www.facebook.com www.google.com इसको हाइपर लिंक होते हैं। तो ऐसे कोई भी हाइपर लिंक ऐड करना है, तो जिस सेल पे ऐड करना है उस सेल पे क्लिक करोगे और यहाँ पे कंट्रोल के करोगे, खुल जाएगा, यहाँ पे एड्रेस डालोगे और हम ऐड कर सकते हैं, मैं आगे बताऊंगा, लेकिन आप बस माइंड में रखो कंट्रोल के हाइपर लिंक ऐड करने के लिए। अब ये हो गया हमारा शॉर्टकट, जो हम की इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल की, ये नॉर्मल शॉर्टकट है, समझना कि शॉर्टकट बस इतना ही है, ये बेसिक शॉर्टकट्स है जो हम काम के लिए बगैर सोचे समझे इस्तेमाल हो जाता है, मतलब सोचना भी नहीं पड़ता, तो इसको समझना जरूरी है। अब आते हैं ये सीट के था, ये वर्कबुक, वर्कबुक मतलब ये पूरा एक्सेल वर्कबुक के रिगार्डिंग सीट। अब कंट्रोल है, मानो किसी एक्सेल पे काम करो, इसमें एक्सेल पे काम तीन सीट, शॉर्टकट क्लास C3, इसका नाम है एक्सेल क्लास, मुझे एक और एक्सेल खोलना है, तो मैं विंडो R करके एक्सेल करके खोल सकता हूँ, या फिर मैं सीधे यहाँ पे कंट्रोल N करूंगा, एक और नया एक्सेल वर्कबुक खुल जाएगा, ठीक है, कंट्रोल N करने से। दूसरा क्या है, कंट्रोल O, मानो आपने कोई एक्सेल सीट सेव की जो खोलना है, अब कंट्रोल O करोगे तो अब बताएगा आपको, आपका विंडो ओपन इंटरफेस खुल जाएगा, आप जाके सर्च कर सकते हो, इसमें एक्सेल क्लास पर मैं जो खोलना चाहता हूँ, या मेरा कोई और एक्सेल फाइल का सेव है उसको खोलना चाहता हूँ, तो आप वहां जाके खोल सकते हो कंट्रोल ओ करके, साथ में कंट्रोल पी, कंट्रोल पी प्रिंट भी होता है, मतलब प्रिंट करना है किसी पेज को तो कंट्रोल पी से हम प्रिंट करते हैं, इसका बाद डिस्कस करेंगे, प्रिंट में बहुत कुछ है, सिर्फ ये नहीं है। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस मानो इतना चेंजेस कर लिया, क्योंकि तो चेंजेस कर रहे हम लोग यहाँ पे, अब इसको सेव करना है तो कंट्रोल एस करते हैं, सेव हो जाता है, ठीक है। लेकिन हमने इसके साथ में F12 भी देखा था, F12 क्या होता है,
कंट्रोल एस इसी शीट में चेंज करके, में जो भी चेंज को सेव करना है कंट्रोल एस करते हैं। लेकिन अब इस शीट का नया कॉपी बनाना है तो, और उसको सेव करना है, तो हम विंडो एक्सेल फाइल को बंद करके, जैसे मानो इसका कॉपी बनाना है सेव करना है, तो एक्सेल फाइल को बंद करके कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके फिर न्यू नेम करने से अच्छा हम F12 कर सकते, जो पहले बताया मैंने। ठीक है, तो अब तक हमें देखा कंट्रोल एस, ठीक है, कंट्रोल टी, अभी आप सब सुन लो, कंट्रोल टी टेबल क्रिएट करने के लिए होता है। ठीक है, कंट्रोल टी टेबल क्रिएट करने के लिए होता है, इतना बस समझो, इसको बहुत डिटेल में समझे आगे। फिर आता है कंट्रोल डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू होता है करेंट शीट को बंद करने के लिए। ठीक है, मैं कंट्रोल डब्ल्यू करूंगा, लो मैं जो भी काम था बंद हो गया, सेव होके बंद हो जाता है वो अपने आप। अब ओपन करना है तो कंट्रोल ओ करूंगा, विंडो इंटरफेस खुल जाएगा, मैं एक्सेल क्लास पे डबल क्लिक करूंगा, ये खुल गया। तो कंट्रोल एस नॉर्मल सेव के लिए, कंट्रोल डब्ल्यू सेव करके बंद करने के लिए होता है। तो ये है हमारा बेसिक शॉर्टकट। तो बेसिक बताते हुए हमारा 35 मिनट हो गया और आज का पहला सेशन यही एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम आगे बढ़ेंगे और ग्रेजुअली हम आगे बढ़ते रहेंगे। 50-60 सेशन होगा, पूरा देखिए और एक्सपर्ट बन जाइए। बाय बाय।